कुछ काम है। चलिए आज हम थोड़ा हम सीखेंगे क्या, आज हम जो हिंदी में सीखेंगे उसके बाद हिंदी के बाद फिर बौद्ध धर्म जैन धर्म को आज ही कंप्लीट करना है। बौद्ध धर्म जैन धर्म को पूरी तरह से पढ़ के आज ही कंप्लीट करना है। उससे पहले 15 मिनट लगभग संधि पहचानने सीख जाते हैं। संधि पहचानना काफी ईजी है और एक दो नंबर का सवाल आ भी जाता है और काफी ईजी है, गलती भी ना होगा कभी भी, ठीक है ना। काफी मस्त ट्रिक है, झकास सा फटाक सा पहचान जाइएगा, ठीक है ना। संधि विच्छेद पहचानने का ट्रिक, ठीक है ना। चलिए देखते संधि विच्छेद पहचानने का ट्रिक क्या देखते हैं। संधि विच्छेद तुम जानता है, संधि पहचानने का ट्रिक, संधि पहचानने का जानता है तुम लोग कि नहीं जानता है। अरे संधि पढ़ा है, पहचानना जानता है। संधि किसे बोलते हैं, दो वर्णों के मेल से दो वर्ण में जब मिलता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, संधि क्या बोलते हैं। परिभाषा नहीं पूछेगा, परिभाषा पूछेगा उससे बच्चा पूछता था, टीचर हुआ मैं पूछता था संधि किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, स्वनाम किसे कहते हैं, खाली पूछ रहता था। तो देखो संधि को बांटेंगे कितना भाग में, तो संधि को हम लोग बांटते 3 भाग में। कितना भाग बांटते हैं, संधि कितना भाग में है, तो संधि कितना प्रकार का होता है, संधि होता है 3 टाइप। कितना टाइप का होता है, तो संधि जो होता है वो 3 प्रकार, कितना प्रकार का होता है, संधि 3 प्रकार का होता है। जल्दी जल्दी बताना, टाइम नहीं पर करना है, मनोहर पोथी नहीं पढ़ रहा है, अरे बारी नहीं पढ़ रहा है, फटाफट बताओ संधि कितना 3। पहला कौन होता है, स्वर संधि, क्या होता है स्वर संधि, पहचानने सीख रहे हैं, काफी एकदम इजी है, मस्त ट्रिक है। ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट है, फटाफट पहचान जाइए, कोई दिक्कत ना होगा आज के बाद, ठीक है ना। स्वर संधि के बाद क्या आएगा, व्यंजन संधि, क्या आएगा, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। स्वर व्यंजन पता है ना, ओ आ हर्षय दीर्घई हर्षौ दीर्घई, से क्या है स्वर है, और व्यंजन को से लेके यो रो लो वो पूरा क्या है, व्यंजन ही पता है ना। चलो अगला कौन आता है, विसर्ग संधि, कौन सी आता है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो संधि कितना है 3, संधि कितना है 3। चलिए आप लोग भी फटाफट देखते जाइएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। संधि कितना है 3, कितना है 3 है। सबसे मेन जो है ये वाला है, सबसे मेन संधि कौन है, जितना क्वेश्चन आता है ज्यादा इसी से आता है, ये दोनों नॉर्मल है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि इसका भेद नहीं है, ये व्यंजन संधि का प्रकार नहीं है, विशेष संधि का प्रकार नहीं है। लेकिन ये स्वर संधि जो है 5 होता है, कितना होता है स्वर संधि, कितना होता है 5 होता है। लेकिन पहले हम जो है ये दोनों को, ये तीनों को निपटा देते हैं। स्वर संधि पहचानने का सिंपल नियम क्या है पता है, अगर आगे भी स्वर हो और पीछे भी स्वर हो, यानी आगे भी स्वर और पीछे भी स्वर और दोनों स्वर आपस में जुड़े, तो होगा स्वर संधि। क्या जाएगा, नामे है स्वर, यानी जहां जुड़ रहा है, जहां प्लस है, प्लस के आगे भी स्वर, प्लस के पीछे भी स्वर, तो कौन संधि, स्वर संधि, कौन संधि, स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा, स्वर व्यंजन पता है ना, इतना भी ना पता है, स्वर यानी ओ आ हर्ष दुर्गा हर्ष दुर्गा, ठीक है ना, और व्यंजन यानी को से लेके यो रो लो पूरा, ठीक है। तो व्यंजन में क्या, तो व्यंजन पहचाने का सिंपल नियम क्या है, तो व्यंजन का जो सिंपल नियम है वो है क्या, आगे स्वर, आगे प्लस के आगे स्वर और पीछे व्यंजन, पीछे या आगे ही व्यंजन, आगे ही व्यंजन और पीछे स्वर, पीछे प्लस के आगे व्यंजन और पीछे स्वर, या दोनों व्यंजन, दोनों व्यंजन, तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि, क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। यानी व्यंजन में संधि में व्यंजन रहना फिक्स है, व्यंजन संधि में व्यंजन रहना फिक्स है। और विसर्ग संधि पहचानने का नियम क्या है, तो विसर्ग संधि में विसर्ग रहना फिक्स है, विसर्ग संधि में विसर्ग रहना, इसको विसर्ग नहीं बोलते हैं, विसर्ग संधि में विसर्ग रहना, और विसर्ग के बाद प्लस, और प्लस के बाद या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा, उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या है कि विसर्ग संधि में विसर्ग रहना क्या है फिक्स, विसर्ग रहेगा तो कौन संधि, स्वर विसर्ग, विसर्ग रहेगा तो कौन संधि, विसर्ग रहेगा तो विसर्ग संधि। एको को व्यंजन मिल गया है तो व्यंजन संधि, एको को व्यंजन नहीं मिला तो कौन संधि, स्वर संधि ना हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल कुछ देते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देंगे क्या, विद्यालय, क्या लिख देंगे, विद्यालय, क्या लिखेंगे, अब विद्यालय को अगर तोड़ेंगे देखो क्या होगा, विद्या, क्या होगा, विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय। अब यहाँ ध्यान से देखो, प्लस के पहले देखना है, प्लस के पहले क्या है, आ स्वर है ना, है बोलता ना है, अगर फागले है ये आना है, आ क्या है स्वर, क्या है, और प्लस के बाद भी क्या है स्वर, प्लस के पहले भी स्वर, प्लस के बाद भी स्वर, कौन संधि, स्वर संधि, कौन संधि। अभी ये डिटेल में पढ़ना है, अभी तो थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा है, इसको अभी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। ये दोनों भ्रांतियां निपटाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है स्वर संधि, क्या हो गया, जैसे बोलेंगे रामायण, क्या बोलेंगे, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा,
रामजोर आयन, रामजोर आयन। अब यहां ध्यान देना आप लोगों को, प्लस के पहले, प्लस के पहले स्वर है, प्लस के पहले स्वर है। तुम लोग को लगता है ज्ञान थोड़ा सा भी वर्णमाला के ना है, आप लोग पढ़े हैं वर्णमाला ज्ञान है कि ना? को मतलब क्या हुआ? को का मतलब होता है, को का मतलब क्या होता है? तो को का जो मतलब होता है वो होता है आधा को प्लस ओ, पढ़ा ये? तो ओ छिपा रहता है ना। हाँ बोलो, ऐसे लिख दिए यानी इसमें स्वर नहीं है। यहाँ पर क्या है मो, यहाँ पर क्या है मो, क्या है? तो मो का मतलब क्या हुआ? इसमें इसमें ओ छिपल है, ओ क्या है नहीं पढ़ा है? तो इसमें ओ यहाँ छिपल है, तो मो के बाद ओबे छिपल है, इधर ओ हो गया, इधर आ हो गया, तो स्वर है कौन? संधि, स्वर संधि। हाँ अगर यहाँ मो न देते देते मो हलंत दे तब अब ओ है नहीं, तब स्वर संधि नहीं होता। समझ आ गया है ना? ये सब तो हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? लेकिन पहले देखते हैं व्यंजन क्या देखते हैं। स्वर के बारे में डिटेल में पढ़ना ही काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आता है, ठीक है ना? चलिए स्वर नहीं है पता चल गया अब है, ठीक है ना? इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले ये दोनों निपटाते हैं, ठीक है ना? जैसे इसके इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल लिए उच्चारण, क्या लिए? उच्चारण क्या लिए? उच्चारण एग्जाम्पल लिए हैं। और आप लोग उच्चारण का संधि विच्छेद क्या करते हैं? उत जोर, जहां दू गो, एगो पूरा और एगो आधा, एगो पूरा, जैसे एगो पूरा आधा चो, एगो पूरा चो, जब भी मिले तो बदलता है तो में, किसे बदलता है तो में। तो चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? उत जोर चारण, उत जोर चारण, उत जोर चारण। अब यहां ध्यान दीजिए, प्लस देखिए, प्लस, प्लस के पहले तो हलंत है, तो में क्या है? हलंत, जिसमें ओ छिपल है नहीं, तो व्यंजन है, ये क्या है? तो यहाँ पहले क्या हो गया? व्यंजन, और बाद में भी क्या है? व्यंजन। स्वर कहाँ है? अरे चो को लिखेंगे तो चो के बाद में ओ आएगा, तो ओ तो उधर चल जाएगा, क्या है ये? प्लस के बाद क्या है? चो, चो क्या है? व्यंजन क्या है? तो आगे भी व्यंजन, पीछे भी व्यंजन, कौन संधि? व्यंजन संधि, कौन संधि? व्यंजन संधि। उसी प्रकार बोलेंगे आच्छादन, क्या बोलेंगे? आच्छादन, क्या बोलेंगे? आच्छादन। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? इसका अभी संधि विच्छेद करने हमने बता रहे हैं, पहचानने बता रहे हैं, ठीक है ना? इसका संधि विच्छेद होगा आज और छादन, क्या होगा? आज और छादन, बोलो कौन संधि, जल्दी बोलो कौन संधि होगा, जल्दी कौन संधि होगा? तो प्लस के पहले स्वर, प्लस के पहले, लेकिन प्लस के बाद व्यंजन, अरे को व्यंजन मिल जाए, कौन संधि? व्यंजन संधि, कौन संधि? जैसे बोलेंगे जगत, जगन्नाथ, क्या बोलेंगे? जगन्नाथ, जगन नाथ। देखो एगो आधा नो, एगो पूरा नो, तो जब एगो आधा मिले एगो पूरा मिले तो बदलता है तो में, कैसे बदलता है? तो क्या हो जाएगा? जगत जोर नाथ, जगत जोर नाथ, कौन संधि जल्दी बताओ, कौन संधि? तो देखो यहाँ पर प्लस के पहले तो हलंत है, यानी ओ छिपा हुआ नहीं है, यानी पूरी तरह से यह व्यंजन है, और यहाँ भी क्या है? व्यंजन है। तो एक व्यंजन मिल गया तो कौन संधि? व्यंजन, कौन संधि? तो व्यंजन पहचानने में कोई दिक्कत है? एको को व्यंजन मिल गया, व्यंजन संधि। प्लस के बाद या पहले एको व्यंजन मिल गया, व्यंजन संधि। इसमें देख लेते हैं, जैसे बोलेंगे निरोग, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? निरोग, क्या बोलेंगे? और निरोग का संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करने अभी नहीं बता रहा है, पहचानने बता रहा है, पहचानने पूछता है। निरोग का पूछेंगे तो निरोग का अगर हम तोड़ेंगे तो होगा क्या? इसका इसका होगा नी जोर रोग, नी जोर। अब इसको पहचानने में कोई दिक्कत है? विसर्ग है ना, विसर्ग संधि, विसर्ग है तो विसर्ग संधि। जैसे बोलेंगे मनोहर, क्या बोलेंगे? मनोहर, मनो, अब मनोहर को हम लिखते हैं तो मनोहर को लिखते हैं क्या? मनोहर का होता है मना जोर हर, मना जोर हर, विसर्ग मिल गया है ना, कौन संधि? विसर्ग संधि। जैसे लिखेंगे मनोरथ, क्या लिखेंगे? मनोरथ, क्या लिखेंगे? मनोरथ, तो मनोरथ का क्या होगा? मना जोर रथ, कौन संधि? विसर्ग संधि। ये दोनों निपटा दी, ये दोनों ज्यादा भार नहीं है, इतने ही पूछता है, पहचानने खाली पूछ देगा। मेन सीखना है स्वर संधि, क्या सीखना है? मेन क्या सीखना है? स्वर संधि। सर बायो इमेज के साथ पढ़ाइए, तो बायोलॉजी में तो इमेज की पढ़ाई भी करते हैं, अभी क्या पढ़ा है, ठीक है ना? 3D खाली नहीं लेते हैं, 3D भी बोलिएगा तो ले लेंगे, ठीक है? टारगेट बेच के नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन आता है, आता होगा मेरा तो आता है, अपडेट थोड़ा कीजिएगा, अगर ना आता है तो टाइम पर जुड़ जाइए थोड़ा, ठीक है ना? देख के चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे ना आता है तो देख लेंगे। स्वर संधि कितना होता है ये बताइए, हम मेन पढ़ने जा रहे हैं जो जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बताइए स्वर संधि कितना होता है? स्वर संधि कितना होता है? स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? ये लोग को कुछ हो पता ना है,
मतलब बच्चा नहीं पढ़ा है, इसे बच्चे में पढ़ लेता है। स्वर कितना होता? पांच। कितना होता? पांच होता। सब वहां बराती का मजा ले रहा है लगता है। पहला होता है कौन? पहला होता है कौन? संधि, दीर्घ संधि। कौन संधि? कौन संधि? दीर्घ संधि। दूसरा कौन चीज होता है? गुण संधि। क्या चीज होता है? दूसरा गुण संधि। तीसरा कौन चीज होता है? तीसरा होता है वृद्धि संधि। कौन संधि? कुछ पता ना है। कौन चीज होता है? वृद्धि संधि। चौथा होता है यन संधि। कौन चीज होता है? यन संधि। कोई भी एग्जाम दे रहा है जिसमें हिंदी पूछ रहा है, चाहे जीडी हो, दरोगा वगैरह, कोई भी हो, सब में काम आएगा, ठीक है ना। और संधि तो कुछ भी करता है। और पांचवा होता है आदि। क्या होता है? अयाधि संधि। क्या होता है? अयाधि संधि। तो बताओ स्वर संधि कितना भेद? पांच। स्वर संधि कितना भेद? पांच। स्वर की कितना भेद? तो स्वर संधि पांच। कितना होता है? पांच होता है। दीर्घ गुण वृद्धि यन अयाधि। दीर्घ गुण वृद्धि यन अयाधि। दीर्घ गुण वृद्धि यन अयाधि। पांच कितना होता है? पांच होता है। पांचों को पहचानने सीखना, अलग अलग कुछ देता है। एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा विद्यालय कौन संधि है? अभी देगा चार गो नाम दे देगा। दे देगा रामायण कौन संधि है? पांच गो, चार गो नाम दे दिया। देगा महेंद्र कौन संधि है? चार गो नाम दे दिया। बोलेगा एक एक कौन संधि है? अब यहाँ से चार गो नाम दे देगा, यहाँ चार गो नाम दे देगा। बोलेगा बताओ आप लोग को सदैव कौन संधि है? और यहाँ से चार गो नाम दे दिया। बोलेगा स्वागत कौन संधि है? चार गो नाम दे दिया। तो ये पहचाना काफी ईजी है, चुटकी में हो जाएगा। देखो आप सीखते हैं स्वर संधि, क्या सीखते हैं? इसमें कोई दिक्कत है? तो देखते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि बताए पांच, कितना बताए थे? स्वर संधि कितना बताए थे? तो स्वर संधि बताए पांच, कितना बताए थे? स्वर संधि पांच होता है। स्वर संधि पांच होता है, पांच होता है। कौन कौन बताए थे? तो पहला बताए थे हम। क्या? तो पहला जो बताए थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला बताए थे कौन संधि? दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? पूर्ण संधि। कौन संधि? तीसरा क्या है? वृद्धि संधि। कौन संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि वृद्धि संधि। वृद्धि। चौथा क्या है? यन संधि। कौन सी है? अगला कौन सी है? अयाधि संधि। कौन सी है? अयाधि। कितना है? पांच। कितना है? कितना संधि है? पांच। अब देखो पहचाना एकदम इजी है। दीर्घ संधि में याद रखना, जब बड़ी मात्रा मिले तो दीर्घ संधि। कौन मात्रा? बड़ी मात्रा जानता है ना? बताओ ओ और आ में बड़ी कौन है? आ। तो बड़ी मात्रा मिलेगा तो दीर्घ संधि। बताओ हर्षई और दीर्घई में बड़ा कौन सी है? दीर्घई ऐसा होता है। तो बड़ी मात्रा मिले तो दीर्घ संधि। बताओ हर्षउ और दीर्घउ में बड़ी कौन है? दीर्घउ बड़ी है। तो बड़ी मात्रा मिले तो दीर्घ संधि। तो बड़ी मात्रा तीन गो हुआ, कितना हुआ? बड़ी मात्रा कितना हुआ? तीन। बड़ी मात्रा बोले तो, बड़ी मात्रा बोलने का मतलब हुआ कि आ मिले या दीर्घ ई मिले या दीर्घ ऊ मिले तो कौन संधि? नामे मारा है दीर्घ ना रहा, दीर्घ ना ना रहा है। आ कर इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं आ। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? इसको हर्षाई। इसको बोलते हैं दीर्घ। क्या बोलते हैं? तो दीर्घ मिलेगा तो दीर्घ संधि। इसको बोलते हैं दीर्घ ऊ, तो दीर्घ मिलेगा तो दीर्घ संधि। दीर्घ मिलेगा तो दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि पहचाने का सिंपल नियम है, आ मिलेगा तो दीर्घ संधि, दीर्घ ई मिलेगा तो दीर्घ संधि, दीर्घ ऊ मिलेगा तो दीर्घ संधि, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, बोलेंगे रामायण। क्या बोलेंगे? कहाँ मिलना चाहिए? बीच में। कहाँ मिलना चाहिए? बोलेंगे रामायण। अब बताओ फटासना, बहुत सारा लिख देते हैं, रामायण लिख दिए हैं, महाभारत लिख दिए हैं, विद्यालय लिख दिए हैं। क्या लिख दिए? क्या लिख दिए? विद्यालय लिख दिए हैं। उसी प्रकार हम लिख दिए क्या? भानुदय लिख दिए। क्या लिख दिए? भानु। क्या लिख दिए? गिरीश लिख दिए। क्या लिख दिए? गिरीश। क्या लिख दिए? गिरीश लिख दिए। रविश लिख दिए। क्या लिख दिए? रविश लिख दिए। रविंदर लिख दिए। क्या लिख दिए? रविंदर लिख दिया। तुम्ही लोग बताओ फटाफट, बताओ आ करा रहा है कौन संधि? दीर्घ संधि। आ रहा है कौन संधि? दीर्घ संधि। विद्यालय में शुरू में बोले, बीचा में आ रहा है कौन संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ ऊ आ रहा है, यहां ध्यान दो, दीर्घ ऊ आ रहा है, यहाँ ध्यान दो, दीर्घ आ रहा है कौन संधि? दीर्घ संधि। बताओ दीर्घ ई आ रहा है। अब बोलेगा हर सही आ रहा है तो शुरू में नहीं, बीच में कहा? तो दीर्घ आ रहा है कौन संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ ई आ रहा है कौन संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ आ रहा है कौन संधि? दीर्घ संधि। पहचानने को दिक्कत है? ऐसे पहचान है, बताओ दीर्घ संधि पहचानने को दिक्कत है? जैसे लिखेंगे आ है, दीर्घ है या दीर्घ है तो कौन संधि? दीर्घ संधि। गुण पहचानने का देखिए, गुण संधि में
गुण संधि पहचाने का सिंपल नियम क्या है? एक मात्रा मिलेगा, कितना मात्रा मिलेगा? एक मात्रा मिले, कितना मात्रा मिले? एक मात्रा तो गुण संधि, एक मात्रा तो, और दो मात्रा मिले तो वृद्धि संधि, एक मात्रा गुण संधि, एक मात्रा गुण संधि, एक मात्रा गुण संधि, एक मात्रा गुण संधि, दो मात्रा वृद्धि संधि, नामे है वृद्धि, यानी वृद्धि हो गया, जहां एक मात्रा था वहां कितना हो गया? दो मात्रा हो गया है। एक मात्रा मतलब क्या हुआ? एक मात्रा मतलब हुआ या तो रहेगा ए या तो रहेगा ओ, एक मात्रा हो गया। और दो मात्रा मतलब क्या हुआ? या तो रहेगा आई या तो रहेगा औ, दो मात्रा हो गया। अरे एक गो टिक्की रहेगा गुण संधि, दो गो टिक्की रहेगा वृद्धि संधि, एक टिक्की गुण संधि, दो टिक्की वृद्धि संधि, कोई दिक्कत है? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट, एग्जाम्पल डाउट क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम बोलिए रमेश, क्या बोले रमेश, क्या बोले? जैसे बोलिए दिनेश, क्या बोले दिनेश? जैसे बोलिए महेश, क्या बोले महेश? जैसे बोलिए महेंद्र, क्या बोले महेंद्र? क्या बोलिए? जैसे बोलिए सुरेश, क्या बोल दिए सुरेश? क्या बोल दिए सुरेश? बोल दिए। जैसे हम बोलिए क्या, जैसे यहाँ बोलिए जलोर्मी, क्या बोले? हटाओ जलोर्मी, दूसरा में आ जाएगा। जैसे हम बोलिए यहाँ पर क्या, ये बोला महोत्सव, क्या बोल दिए महोत्सव? क्या बोल दिए महोत्सव? ठीक है, अब बताना ये सब कौन संधि है, जल्दी बताओ बताओ। एक आ रहा है कौन संधि? गुण संधि। एक आ रहा है कौन संधि? गुण संधि। एक आ रहा है कौन संधि? गुण संधि। महेंद्र में एक आ रहा है कौन संधि? गुण संधि। सुरेश में एक आ रहा है कौन संधि? गुण संधि। महोत्सव में ओ ओ ओ, एक आ रहा है कौन संधि? गुण संधि। लेकिन इसमें एक चीज और होगा, टिक्की रहेगा, एक टिक्की रहेगा तो गुण संधि, एक टिक्की रहेगा तो गुण संधि। जैसे बोलेंगे महर्षि, क्या बोलेंगे महर्षि में? क्या टिक्की? महर्षि बोल दिए। जैसे बोलेंगे देवर्षि, क्या बोलेंगे देवर्षि? क्या बोलेंगे? अब यहाँ ध्यान दो फटाफट, यहाँ ध्यान दो, बताओ एगो टिक्की है, एगो टिक्की है तो एगो रहेगा तो गुण संधि, एगो रहेगा तो गुण संधि, एगो रहेगा तो गुण संधि। गुण संधि पहचानने को दिक्कत? पहचान लेगा ना। चलो देखते हैं क्या वृद्धि संधि क्या रखते हैं, वृद्धि संधि क्या रखते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि में देखो, जैसे बोल दिए एक एक, क्या बोल दिए एक एक? बोल दिए सदैव, क्या बोल दिए सदैव? बोलिए वनौषधि, क्या बोल दिए वनौषधि? क्या बोल दिए? बोलिए महौषधि, क्या बोल दिए महौषधि? क्या बोल दिए महौषधि? बोल दिए। बताओ अब बताओ तुम्ही लो फटाफट, बताओ केवल टिक्की है, केवल मात्रा है दो मात्रा, कौन संधि? वृद्धि संधि। केवल मात्रा है दो मात्रा, कौन संधि? वृद्धि संधि। केवल मात्रा है दो गो, कौन संधि? वृद्धि संधि। केवल मात्रा है दो गो, कौन संधि? वृद्धि संधि। खत्म हो गया, वृद्धि पहचाने को दिक्कत? वृद्धि पहचाने को दिक्कत है नहीं। अब देखते हैं यान क्या रखते हैं, क्या रखते हैं यान संधि, क्या रखते हैं यान संधि में। देखिए यान संधि में सिंपल है क्या, यान में रहेगा क्या, यान ध्यान दो, यान में रहेगा यो, क्या रहेगा? यो से यान, यो से यो, और रहेगा वो, क्या रहेगा? यो मिले और वो मिले, और इसके पहले मिले आधा, कोई व्यंजन रहेगा या कुछ भी रहेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, इसके पहले जो भी रहेगा, जो भी व्यंजन रहेगा वो रहेगा आधा, क्या रहेगा? आधा, क्या रहेगा? आधा। जैसे मिले यो मिले और वो मिले, और यो और वो के पहले मिले आधा, यानी विकलांग मिले, क्या मिले? तो वो हो जाएगा यन संधि, क्या हो जाएगा बताइए? यो के पहले आधा रहेगा तो क्या होगा? यन संधि। वो के पहले आधा रहेगा तो क्या होगा? यन संधि। आधा रहेगा हो जाएगा बाधा, हो जाएगा यन संधि, क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बोलेंगे व्याकरण, क्या बोलेंगे? व्याकरण बोल दिए। जैसे बोले स्वागत, क्या बोले? स्वागत बोले हैं। जैसे बोल दिए प्रत्येक, क्या बोल दिए? प्रत्येक बोल दिए। जैसे हमारे लोग बोल दिए क्या, जैसे आपको बोलिए स्वच्छ, क्या बोल दिए? स्वच्छ बोल दिए, क्या बोलिए? स्वच्छ बोल दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, यो है, यो के पहले आधा है, कौन संधि? यन संधि। यहाँ वो है, यो के पहले आधा है, आधे है ना, कौन संधि? यन संधि। यहाँ पर यो है, यो के पहले आधा है, कौन संधि? यन संधि। यहाँ वो है, यो के पहले आधा है, कौन संधि? यन संधि। कोई दिक्कत है? यन पहचान गया, यन में कोई दिक्कत है? यो रहे वो रहे आगे रहे आधा, यो रहे वो रहे और यो और वो के आगे रहे आधा, हो जाएगा बाधा, हो जाएगा यन संधि, क्या हो जाएगा? यन संधि। आप देखते हैं अयादि, क्या देखते हैं अयादि संधि? देखिए अयादि संधि भी इजी है। अयादि संधि में क्या होगा? अयादि संधि में जो है इसमें भी रहेगा यो, क्या रहेगा? आ रहेगा वो, यो रहेगा वो रहेगा, यो रहेगा वो रहेगा, लेकिन यहाँ रहेगा पूरा, इसके आगे क्या रहेगा?
आधा रहेगा नहीं, क्या रहेगा? पूरा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? पूरा। अब बताओ जल्दी, यो के आगे है पूरा कौन संधि? अयाधि संधि। वो के आगे है पूरा कौन संधि? अयाधि संधि। यो के आगे है आधा कौन संधि? यन संधि। वो के आधे है आधा कौन संधि? आधा रहेगा यन, पूरा रहेगा अयाधि। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, नायक क्या दिए? नायक नहीं खलनायक हूं मैं। दायक क्या? नायक नहीं क्या हूं? खलनायक। क्या हूं? खलनायक। पावक क्या हो गया? पावक। पवन हो गया, क्या हो गया? नयन हो गया, नयनों से क्या हो गया? नयन हो गया, क्या हो गया? चयन। क्या हो गया? चयन हो गया। रावण हो गया, क्या हो गया? रावण। अब देखो यहाँ फटाफट, यहाँ पर ध्यान देना, बताओ यो है लेकिन यो के पहले आधा है? नहीं, पूरा है। कौन संधि? अयाधि संधि। यो है और यो के पहले क्या है? कंप्लीट है, इसलिए कौन संधि? अयाधि संधि। यहाँ यो है, यो के पहले क्या है? कंप्लीट है, अयाधि संधि। यहाँ यो वो है, वो के पहले क्या है? कंप्लीट है, आधा नहीं है। कौन संधि? अयाधि संधि। यहाँ वो है, वो के पहले क्या है? कंप्लीट है। कौन संधि? अयाधि संधि। यहाँ यो है, यो के पहले आधा है कि नहीं? पूरा नो है। कौन संधि? अयाधि संधि। चयन 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 यहाँ लिखल है, तो यो है, यो के पहले क्या है? कंप्लीट है। कौन संधि? अयाधि संधि। यहाँ वो है और वो के पहले रा क्या है? पूरा। रा क्या है? पूरा। कौन संधि? अयाधि संधि। संधि खत्म हुआ यार, जल्दी बताओ। तो संधि पहचान लेगा आप, संधि विच्छेद अभी नहीं बताए हैं, हम बताए संधि कैसे पहचाने, और ज्यादा यही पूछता है, ठीक है ना? संधि में कोई दिक्कत है? संधि खत्म हो गया, पहचानने में कोई प्रॉब्लम है? खत्म हो गया। कितना देर लगा संधि पढ़ने? बस हो गया खत्म, संधि हो गया खत्म। आप लोग कॉमेंट कीजिए, थोड़ा देख लेते हैं। अब आएंगे जैन धर्म बौद्ध, रामायण में यो आ रहा है ना, रामायण में यो आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ जो है संधि विच्छेद करने बाद पता चलेगा। यहाँ संधि विच्छेद करेंगे ना तो यहाँ पर आ के ज्यादा भूमिका जाता है, ठीक है ना? तो राम जोर अयन, जैसे इसका संधि विच्छेद करेगा क्या होगा? नायक के संधि विच्छेद करेंगे तो होगा नय। क्या हो जाएगा? क्या होगा? नय जोर आयक, नय जोर आयक कुछ जो है। लेकिन रामायण के संधि विच्छेद करेंगे तो राम जोर अयन, राम जोर। तो संधि विच्छेद में अगर, संधि विच्छेद में अगर आय आ जाएगा या ए आ जाएगा या ये वाला औ आ जाएगा, तब हो जाता क्या? तब हो जाता वो वाला, ठीक है? तो कुछ होता है, ठीक है ना? लेकिन इससे बन जाएगा ऐसे, रामायण तो सब जानता है, कोई दिक्कत ना है, बाकी बार किसी में ना। और यो और वो जब भी आए तो पहले चेक करना इसी दोनों में, ठीक है ना? अगर आधा रहेगा तो यन संधि, पूरा रहेगा तो अयाधि संधि। चलिए नाइस कॉन्सेप्ट सर जी, चलिए ठीक है, डेली हिंदी का एक टॉपिक पढ़ाइए। डेली पढ़ाएंगे तो तुरंत ही हिंदी खत्म हो जाएगा। हिंदी कितने पढ़ा है? तनिक गवे करता है, हिंदी छोटा सा है। आ गया समझ? हाँ डाल दिए, आज ही डाल लेते हैं, आज ही डाले हैं। देखिए कल बोर्डवे ने काम कर रहा था, वो अतिया बोर्डवा ने मतलब कुछ वो सेटिंग ना हो गया था, सेटिंग में ना हट रहा था, इसलिए कल न डाले थे। आ गया समझ में सर? चलिए ठीक है, बता दीजिएगा अपने दोस्तों दोस्तों जो मतलब करना चाहते हैं जुड़ के। अब पढ़ते जहाँ हिंदी पढ़ा दिए तो हिंदी ज़्यादा दिन छोड़ लेगा, हिंदी लगभग आपका 20 दिन काफ़ी है, 20 दिन में पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा। हिंदी क्या है? कुछ है? तो चलिए अब आता आपका बौद्ध धर्म जैन धर्म। देखिए बौद्ध धर्म जैन धर्म जो है फाउंडेशन में पढ़ा चुके हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो फाउंडेशन में हम पढ़ा चुके हैं, अब फाउंडेशन में पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग को यहाँ पर पूरा लिख के पढ़ाएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो जो फाउंडेशन में हम पूरा लिखे हैं वो लिखा हुआ सेव है, वही फटाफट बताते हैं कि जल्दी खत्म हो जाएगा, वही बता देते हैं, कोई दिक्कत है? अरे फाउंडेशन ने पूरा लिख के 5 दिन पढ़ाए बौद्ध धर्म जैन धर्म, लेकिन आप लोग को हम चाह रहे हैं कि आज ही खत्म कर दें, तो लिखा हुआ वो वाला सेव है, खाली आप लोग को बताते चल जाएंगे, यहीं 5-6 बार बोलना याद हो जाएगा, ठीक है ना? आज बौद्ध धर्म जैन धर्म को खत्म भी करना है, ठीक है? चलिए कोई दिक्कत ना है ना। चलिए अब आते हैं आपके कहाँ, तो आज टॉपिक लिया है बौद्ध धर्म जैन धर्म। क्या लिए? बौद्ध धर्म